अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर के एमसीक्यूज़ का सलूशन देखेंगे दैट वाज कंडक्टेड ऑन 20 मई 2022। आपने अपने एमसीक्यूज़ चेक करने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने नेक्स्ट पेपर के ऊपर फोकस करें। लेट स्टार्ट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द लिमिट ऑफ कैनाल इरीगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड अंडर जुल्फिकार अली भुट्टोज एग्रीकल्चर रिफॉर्म वॉज। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, वहाँ से इस एमसीक्यू को पिक किया गया है। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है कि कितनी नहरी ज़मीन जो थी उसकी मलकियत की हद क्या थी, तो हमारे पास ये बनती है तकरीबन 150 एकड़। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज़ करेक्ट। तो हमने इसका सर्कल ऐसे फिलअप कर लेना। उसके बाद द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान फॉर सेंट्रल एशियन स्टेट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। तो इसका अगर हम उर्दू में तर्जुमा देखते हैं, किसी ने कुछ स्टूडेंट्स उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि वस्ती एशियाई ममालिक को पाकिस्तान से मिलने वाला सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। पाकिस्तान के पास सी है, ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दिस इज़ एक्सेस टू सी। और यही हमारे पास एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, जो कि सारा साल इसमें क्या हो रहता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इस सी के थ्रू हो रहे होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा एडवांटेज है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए। द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो इन 1996 वॉज डिसमिस्ड बाई प्रेजिडेंट। बेनज़ीर भुट्टो जो थी 2 times प्राइम मिनिस्टर रही हैं पाकिस्तान की। सेकेंड टाइम 1996 में उनको डिसमिस किसने किया था, उस प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन इसमें से हम देखते हैं कौन सा बनता है, फ़ारूक लगारी, ग़ुलाम इसहाक़ खान, परवेज़ मुशर्रफ और रफ़ीक अहमद तारर। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ फ़ारूक लगारी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है कि द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इन 1947 वॉज। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है बना, और उसको जो पहली कंट्री थी जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया, दैट कंट्री वॉज ईरान। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान स्टार्टेड इन द ईयर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक मीन सफारती ताल्लुकात, वो कब स्टार्ट हुए थे। सो दीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर स्टार्टेड इन द ईयर 1948। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है कि द फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन पाकिस्तान वॉज बिल्ड इन। पाकिस्तान का जो ड्राई पोर्ट है वो कहाँ पे बनाया गया, लेकिन सबसे पहला इसका राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। पाकिस्तान का सबसे जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज़ इन कराची। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, 5-year डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड इन पाकिस्तान इन द ईयर। हमारे पास डिफरेंट प्लान्स थे 5 years के, तो कहता है कि इनको स्टार्ट कब किया गया था। सो दैट प्लान वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1955। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, नेचुरल गैस इन पाकिस्तान वॉज डिस्कवर्ड एट। नेचुरल गैस जो है, सुई गैस, ये सबसे पहले कहाँ पे दरियाफ्त हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ सुई। और सुई कहाँ पे है, दैट इज़ इन बलूचिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, द लास्ट एमसीक्यू इज़ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में आपाशी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है। सो आपाशी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है दैट इज़ कैनाल्स, नहरें जो हैं इनके थ्रू लोग आपाशी करते हैं। और आपाशी क्या होती है, ये जो फसलें हम उगाते हैं उनको पानी देते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ इरीगेशन सिस्टम, या इसको हम आपाशी कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो था
आपका पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ का। नेक्स्ट पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ IIM केमिस्ट। नेक्स्ट पेपर के लिए गुड लक।